दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। वाहे गुरु जी धन धन गुरु गरीब नवाज तनासरी मेला पंजमा दीन दर्द निवार ठाकर राखे जन की आप तरण तारण हर निध दुख न सके ब्याप दीन दर्द निवार ठाकुर राखे जन की आप तरण तारण हर निध दुख न सके ब्याप साधु संग भजो गोपाल आन संजम किस ना सूझे एह जतन काट कलकाल रहा आदि अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोए जन्म मरण निवार हर जप सिमर सुबामी सो वेद सिमरत कथा सास भगत करें विचार मुक्त पाई है साध संगत बिन सजाए अंधार चरण कमल आधार जन का रास पूंजिए तान मान दीवान सचा नानक की प्रभ ते चरण कमल आधार जन का रास पूंजिए तान मान दीवान सचा नानक की प्रभ ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सत संगत जी साहिब गुरु पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का पवित्र बचन जो आप जी ने हुक्मनामे के स्वरूप अंदर पवित्र शब्द सरवण किया है राग तनासरी अंदर साहिब जी का पवित्र बचन अंकित है अखीरली पंक्ति अंदर सतगुर पातशाह जी प्रमाण करते हैं चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक। असी ये सारे जानते हाँ जिस मनुख कोई रास पूंजी ना हो तो कोई कारोबार करने की सोच नहीं सकता कोई रास पूंजी घर विच ना हो मनुख का गुजारा नहीं चलता इस करके रास पूंजी पाओ के मनुख के संसार दे विच वर्तन दियां वस्तुआं जिहड़ियां ने पैसा धेला आदिक जो कुछ भी है ये जे मनुख कोल नहीं तो इसका जीवन नहीं चलता। ते सतगुर गरीब नवाज पातशाह जी बचन करते हैं कहते हैं चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक। ऐ वाहगुरु जी मेरी रास पूंजी जिहड़ी है ना वो एक अकाल पुरख वाहगुरु जी तुहाडे चरण कमलों का आधार तुहाडे चरण कमलों का आसरा है कहते हैं ये केवल तो केवल मेरी रास पूंजी नहीं ये मेरा कहते हैं तान माण दीबान साचा नानक की प्रभ टेक ये मेरी टेक भी है मेरा तान भी है मैं ये उत्ते माण भी करता हाँ इस करके ये चीज़ मेरे जीवन की रास से पूंजी है। हुण जीवन के अंदर रास पूंजी किसी वेले घटती है किसी वेले बढ़ती है किसी वेले फिर घटती है फिर किसी वेले फिर बढ़ती है ये हमेशा एक नहीं रहती। जीवन अंदर कई इत्थे बैठे होणगे जिन्होंने अपने जीवन अंदर जदों कितें नौकरी शुरू की होगी तो उन्होंने किसी वेले जीवन अंदर 5-7 रुपये भी उन्होंने अपनी तनखाह ली होगी जो बुजुर्ग बैठे ने जानते हैं इस गल जीवन अंदर जो कि पहली तनखाह मिली होगी 5 रुपये तो बड़े खुश हो जाएंगे जी 5 रुपये मैं तनखाह मिली है तो इतनी तनखाह तो यह मेरे 2 महीने नहीं बुकती इतने पैसे 2 महीने तक मेरा गुजारा चल जाएगा तो हूँ 5 रुपये तो तुम लैन चले जाओ ना तो कोई मुरमुरा नहीं देता इतना सारा वो 5 रुपये लैके कहना नहीं इतना नहीं मिलना। इस करके उस हूँ वधिया चलिया गई ने हुण वध्या हज़ारा के रूप चलिया गई ने हज़ारा भी लैके अज गुजारा नहीं पिया हुंदा तो सतगुर पातशाह रास पूंजी कदे वधदी है कदे घटदी है पर अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम की रास पूंजी ये वधदी घटदी नहीं ये हमेशा एक रस रहिंदी है तो एक बराबर रहिंदी है। इस करके
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਰਸ ਪੂੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਰਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੜ ਵਾਸ ਲਈਜੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਪਹਿਰ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿਰਮਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਚੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੜ ਵਾਸ ਲਈਜੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।